क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे. क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 1 मीटर कंटेन्स हीलियम गैस. मॉलिक्यूलर वेट हीलियम गैस का है 4 एट अ प्रेशर ऑफ 100 पास्कल. ड्यूरिंग एन ऑब्जर्वेशन टाइम ऑफ 1 सेकेंड एन एटम ट्रेवलिंग विद VRMS parallel to one of the edges of cube was found to make 500 hits with a particular wall without any collision with other atoms. Find temperature of the gas and dusra part average kinetic energy per atom aur teesra part total mass of helium gas in the box. To jaise agar main baat karu yahan pe ye mera container hai. ये आपका क्यूबिकल कंटेनर रहा और इस क्यूबिकल कंटेनर का मुझे लेंथ दिया हुआ है इज इक्वल टू 1 मीटर. ना ये क्यूब का लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर और यहाँ पे बोला है जो पार्टिकल की जो स्पीड है वो नेट स्पीड ही आपकी किस डायरेक्शन में है वो आपका अलोंग पैरेलल टू 1 एज है और यही जो स्पीड हम जो Vx लेते थे वही Vx मेरा VRMS बना हुआ है. और दो कोलिजन के लिए जैसे ये वॉल से है ना दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के लिए जो टाइम लगेगा तो एक कोलिजन होने के बाद दूसरा कोलिजन होने में कितना टाइम लगेगा तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा L और फिर L तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज 2L डिवाइडेड बाय टाइम T वो मेरा VRMS आएगा. तो यहां बोला है कि एक सेकेंड में इसने कितने कोलिजन्स किए हैं इसने 500 कोलिजन किए हैं इस मॉलिक्यूल ने. तो यहां पे हम बोल सकते हैं एक कोलिजन के लिए कितना टाइम लगेगा तो एक कोलिजन के लिए मुझे लगेगा यूनिटरी मेथड से 1/500 सेकेंड और यही टाइम को हम क्या लिख सकते हैं दिस टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज 2L और नीचे क्या बना हुआ है VRMS. अब यहां पे बोला है कि एटम ट्रैवलिंग विद VRMS स्पीड तो यहां से मैं VRMS निकाल सकता हूं क्योंकि L लेंथ ऑफ द क्यूब मुझे दिया हुआ है 1 मीटर तो 500 इंटू 2 यहां से VRMS निकल के आ गया 2 × 500 इज 1000 मीटर पर सेकेंड. अब यहां से RMS स्पीड को आप क्या लिख सकते हो तो RMS स्पीड निकल के आएगा √3RT डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट दिस इज 10^3. अब R की वैल्यू ना रख दीजिए डेट इज R की SI यूनिट में होती है 8.314 8.3 ले लिया जाए इनटू टेम्परेचर केल्विन में मॉलिक्यूलर वेट 4 ना हीलियम गैस है तो 4 उसका और यहाँ पे ग्राम होता है तो केजी में ले जाते हुए 10^-3 यहाँ पे स्क्वायर किया तो ये 10^6 आया. यहाँ से मेरा टेम्परेचर निकालेंगे तो ये हो गया आपका लगभग 4 2 जा तो 2 × 3 लगभग 6 तो अप्रॉक्सीमेटली 1/6 इंटू क्या बोल सकता हूँ 10^-3 × 6 ये हो जाएगा मेरा 10^3 तो 1000/6 इसको अप्रॉक्सीमेटली निकालते हैं ये आता है ना 0.167 × 10^3 जो हो जाता है 160 केल्विन. ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आया टेम्परेचर ऑफ द गैस. अब आते हैं सेकेंड पार्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर एटम. तो ये हमने फर्स्ट पार्ट निकाला है अब सेकेंड पार्ट आते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर एटम. तो हम जानते हैं एक मॉलिक्यूल या एक एटम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी होती है तो एक मॉलिक्यूल या एक एटम कहा जाए तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी 3/2 kT F/2 kT होती है. और यहाँ पे हम बोल रहे हैं मोनो एटमिक गैस है तो मोनो एटमिक गैस के 3 ट्रांसलेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. अब यहाँ पे 3/2 यहाँ पे K की वैल्यू है मेरे पास आपकी 1.38 × 10^-23 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर आपने निकाला है 160 ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 80 × 3 = 240 और 240 × 1.4 दैट इज 24 × 14 कैलकुलेशन करता हूँ तो 24 × 14 ये आएगा 96 यहाँ पे 24 × 6 = 13 3 तो ये आया लगभग 336 × 10^-23 इसको मैं लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 3.4 × 10^-21 जूल करते हुए तो ये मैंने ना जूल में निकाल लिया. नेक्स्ट पार्ट आते हैं बात करने टोटल मास ऑफ हीलियम गैस इन द बॉक्स. तो टोटल हीलियम गैस का कितना मास प्रेजेंट है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं. अब यहां पे हम बात करें
तो प्रेशर मुझे गिवन है 100 पास्कल, मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम पता है ना, टेम्परेचर पता है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर तो हो गया 100 पास्कल, नेक्स्ट वॉल्यूम मेरा है साइड क्यूब दैट इज 1 क्यूबिक मीटर, फिर टेम्परेचर मेरे पास है, हमने कैलकुलेशन से निकाला है 160 केल्विन, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं मोल्स, मिक्सचर का मोल्स कितना आएगा, तो PV इज इक्वल टू NRT करता हूँ, तो यहाँ से टोटल मोल्स हो गया इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय R इंटू T, चलिए प्रेशर कितना है मेरा, प्रेशर है 100 पास्कल, वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर, गैस कांस्टेंट है 8.3 और टेम्परेचर है 160 केल्विन, ये टोटल मोल्स आएगा। अब ये टोटल मोल्स को क्या लिख सकता हूँ, टोटल मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट जो हीलियम है, तो यहां से हम बोल सकते हैं इस जीरो से जीरो गया, 4 जा, तो 4 × 8 लगभग 32 हो जाता है, तो यहां से आप बोल सकते हो 10 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा 32 ना, विच इज अप्रोक्सीमेटली 30 मान ले, तो 1/3 अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूं 0.3 ग्राम इसके अराउंड प्रेजेंट होगा। तो ये है मेरे थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले नंबर 10 पे बात करने, टू आइडियल गैसेस एट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर मिक्स्ड, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इफ masses of molecules of two gases are m1 and m2 and number of their molecules are n1 and n2 respectively, find temperature of the mixture। तो यहाँ क्या बोल रहा हूँ, ये एक कोई गैस है, इस गैस का मॉलिक्यूलर है ना, मॉलिक्यूल का मास m1 है और इसका टेम्परेचर T1 है और कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है N1। सिमिलरली दूसरा गैस है मेरा जिसका मॉलिक्यूल का मास M2 है, टेम्परेचर T2 है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं N2। जब इन दोनों गैस को मैं मिक्स करता हूँ तो मुझसे पूछा गया है उस मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा, और यहाँ लिखा है नो लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। और हम क्या देखे थे, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है ना हमारी कितनी कहलाएगी, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी 3/2 K × T। तो अगर मेरे n मॉलिक्यूल्स होते हैं, सपोज है ना कैपिटल n मॉलिक्यूल्स हम कहें, तो n मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, अगर वो T टेम्परेचर पर रखा गया हो तो एक मॉलिक्यूल की इतनी काइनेटिक एनर्जी है, तो n मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3/2 KT × n ना, ये हम कह सकते हैं, डेट इज यहाँ पे हम को कह सकते हैं इस चीज को कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये इस मॉलिक्यूल के मास पे डिपेंड नहीं कर रही, तो ये आया 3/2 KT एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। ऐसे एन मॉलिक्यूल्स होंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एन टाइम्स हो जाएगी है ना। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करें कि इसकी एनर्जी कंजर्व है, मतलब इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इस सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है N1 × 3/2 × K × इसका टेम्परेचर T1, ये हमने यूज किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्मॉल N1 हो गए, प्लस वैसे इसका क्या लिख सकता हूँ 3/2 K × इसका टेम्परेचर T2 और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, सिंपली दोनों का सम हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल N1 प्लस N2 मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं N1 प्लस N2 इंटू 3/2 K × कैपिटल T, ये कैपिटल T इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हमें बात करना है इस पूरे मिक्सचर का, सो 3/2 K 3/2 K 3/2 K कैंसिल, ये रिजल्ट आया N1 T1 प्लस यहाँ पे लिखा जा सकता है N2 T2 इज इक्वल टू यहाँ पे बना हुआ है N1 प्लस N2 इंटू T, तो इस मिक्सचर का टेम्परेचर T लिख दिया मैंने N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में मेरे पास पड़ा हुआ है N1 प्लस क्या लिख सकता हूँ N2 करते हुए, तो ये आया मेरा इस मिक्सचर का टेम्परेचर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट नंबर 11 पे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव इट्स ग्राउंड स्टेट,
What temperature is needed to excite hydrogen atoms to first excited level? तो मेरे को बोला गया है, जैसे ये अगर hydrogen atom है, तो इस hydrogen atom का ये है आपका ground state और ये है first excited state. तो ground state से first excited state है ना, इसको इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, यहाँ पे बोला गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे दी जाएगी, तो यहाँ लिखा है व्हाट टेम्परेचर इस एटम का ना, ये जो हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम का टेम्परेचर कितना हो ताकि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिले. तो हम बोले वो पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पे एक एटम की काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 kT विच इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹, ये मेरा जूल में आ गया. अब यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है, तो T इज इक्वल टू ये बन क्या है 2/3, K की वैल्यू नीचे रख दी 1.38 × 10⁻²³, और ऊपर है 10.2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ करके. चलिए अब इसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन करके मैं देख सकता हूँ ये आएगा मेरा 3.2. अब यहाँ पे 3.2 आया, नीचे 3 बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये टेम्परेचर आया मेरा 10⁻¹⁹, 10⁻²³, ये बन गया 10⁴. और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 3.2/3 ना, तो 3.2/3, तो ये लिखा हुआ है 3.2 × 10⁻²³/3 × 1.4 लिख दिया जाए इसे अप्रॉक्सीमेटली ना. अब इसको अगर मैं कैंसिल करने जाऊँ तो 3 × 3 = 9 हो गया ना कैलकुलेशन में, 3 × 3 = 9 = 12, तो ये 3.4. अब 3.2 × 3.4/1.4, तो इसको हम कैलकुलेशन में ला सकते हैं, आपका ये टेम्परेचर आ जाएगा 32 × 34 × 1 × 10⁻¹⁹ हो गया, और यहाँ पे बचा 10³ / डिनोमिनेटर में है 14. तो अब इसे कैलकुलेशन अगर करें तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, तो ये निकल के आया मेरा 2⁷, और यहाँ पे हुआ 2⁶ ना, तो दिस इज है ना 2⁶, और सिर्फ 7⁵ के अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10³, तो ये अप्रॉक्सीमेटली निकाल सकते हैं 16 × 5 80 × 10³ केल्विन, विच इज मैं बोल सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली मेरा आ गया 80,000 केल्विन. अगर इतना टेम्परेचर हम प्रोवाइड करें तो हम क्या कर सकते हैं, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करने, वेलोसिटीज ऑफ 10 पार्टिकल्स आर 0, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 9, फाइंड एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. तो सबसे पहले मैं बोल दूं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितना होगा, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, जो सबसे बार रिपीट हुआ है, दैट इज 4 m/s. ये तो आ गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. अब निकालते हैं एवरेज स्पीड, तो 10 पार्टिकल का एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज के लिए क्या करना है, इन सबको सीधा ऐड कीजिए, तो 4, 4, 4, फिर 2 × 5, फिर मेरा 6 और 9, डिवाइडेड बाय टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं 10, ऐड करते हुए 5, 5 एंड आपका 12 हुआ 17, 17 × 10 = 27, 27 and 15 = 42, डिवाइडेड बाय नीचे हो गया 10, तो ये निकल के आया 4.2 m/s. ये हुआ मेरा आपका एवरेज स्पीड. अब आते हैं आरएमएस स्पीड की बात करने, तो आरएमएस स्पीड के लिए मैं क्या करता हूँ, सीधा पहले तो उल्टा चलते हैं, स्क्वायर मीन रूट, तो पहले स्क्वायर कीजिए, तो 0² 2² 3² 4² 4² 4² 5² 5² 6² 9² किए, फिर उनका मीन लीजिए, तो इन 10 क्वांटिटी का मीन लेना है, तो मीन के लिए हम क्या करते हैं, सीधा इनको ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया जाए 10, फिर उनका क्या लेते हैं, रूट लेते हैं, तो ये रूट निकल के आया मेरा, तो ये है मेरा रूट मीन स्क्वायर. अब इसे कैलकुलेट किया जाए तो 4 + 9 ये हुआ 13, फिर 16, 16, 16 ये हुआ आपका 48, 25, 25 दिस इज 50, फिर 36
फिर यहाँ पे आया 81 और नीचे आपका 10 ही रहेगा और इसका रूट लेते हुए चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 167, 710, 18, 1, 2, 6, 11, 11, 3, 14, 14, 8, 22 by 10 which will be equal to 22.8 का रूट अंडर अप्रॉक्सीमेटली क्योंकि ये 5 है ना का आसपास होगा तो 4 पॉइंट लगभग आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड के पास में तो मैं देख सकता हूँ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आया मेरा 4 फिर आरएमएस स्पीड निकल गया 4.8 और फिर एवरेज स्पीड निकल गया 4.2 तो हमने ये देखा भी था कि जो आरएमएस स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा 4.8 फिर एवरेज स्पीड 4.2 फिर मेरी यहाँ पे एमपीएस स्पीड होती है विच इज इक्वल टू है ना यहाँ पे 4 निकल के आया इक्वल कभी नहीं होंगे आरएमएस स्पीड एवरेज स्पीड एमपीएस स्पीड का रेशियो हमने देखा था √3:√8/π/√2 तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन यहाँ तक का क्वेश्चन नंबर 13 पे एट व्हाट टेम्परेचर विल आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बी डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट एचटीपी प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट तो हम बोल रहे हैं एचटीपी पे जो वेलोसिटी है लेट्स से एचटीपी का टेम्परेचर T1 हम कह देते हैं यहाँ पे ये वेलोसिटी इस टेम्परेचर मतलब एचटीपी मतलब 273.16 केल्विन लेते हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस एनटीपी मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एचटीपी मतलब 0.01 डिग्री सेल्सियस तो इसकी वैल्यू इस एचटीपी पे अगर V1 है तो किस टेम्परेचर पे वो टेम्परेचर टी कह दिया वहां पे आरएमएस वेलोसिटी कितनी हो गई मैं बोल रहा हूँ 2 times हो गई इस वेलोसिटी के डबल हो गई तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मेरी आरएमएस वेलोसिटी है आरएमएस वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे √3RT डिवाइडेड बाय मेरा क्या है मॉलिक्यूलर वेट तो हाइड्रोजन गैस फिक्स्ड है ना आर फिक्स्ड है तो यहां से आप क्या लिख सकते हो जो आरएमएस वेलोसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू √T अब यहां पे मैं बोल सकता हूं कि 2V के करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है ना टी है तो 2V के करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर मेरा टी है और यहां पे आपका वी के करेस्पॉन्डिंग यहां पे 2V1 बोल दूं ठीक है तो यहां पे टेम्परेचर टी है ना तो यहां पे अब V1 के करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है मेरा ये T1 ना और T1 की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेते हैं यहां पे कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको हम ले लेते हैं 273 केल्विन सारा कुछ केल्विन में लेके चलना है तो √273 ये है ना टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है अब इन दोनों को जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा वो कट जाएगा अब क्या कीजिए V1 से V1 कैंसिल हुआ तो ये आया 2 = यहाँ पे आप लिख सकते हो T/273 तो ये हुआ T = 4 × 273 यहाँ से टेम्परेचर आया 12, 28, 29, 2 and 8, 10, 92 केल्विन तो इस टेम्परेचर पे जो इस टेम्परेचर पे वेलोसिटी है उस वेलोसिटी के डबल हो जाएगी तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करने फाइंड आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस तो आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मेरा √3RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट चलिए आर की वैल्यू SI में 8.314 टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करना है 273 ऐड किया जाए तो 300 केल्विन हो गया और मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का होता है मॉलिक्यूल है तो 32 है ना ग्राम में है तो केजी में ले जाने के लिए 10^-3 3 × 300 = 900 900 का स्क्वायर रूट आया 30 उसी तरह से यहाँ पे आपका हो जाएगा √8.314 ना 314 × 1000 / मेरा आया 32 ये हुआ 30 × √ यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ ऊपर हो गया 8314 / 32 अब इसको आप अप्रॉक्सीमेटली निकालेंगे ये आएगा 483.5 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट करते हैं तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट जरूर क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करने फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ आर्गन एट 127 डिग्री सेल्सियस तो 273 ऐड करता हूँ तो ये हुआ 400 केल्विन इस टेम्परेचर पे मुझे ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल ना इसका
काइनेटिक एनर्जी बताना है, तो हम एक मोल की काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल होता है 3/2 kT और मोल होता है तो 3/2 RT। अब R की वैल्यू रखिए, तो दिस इज 1.5, R होता है SI में 8.314, टेम्परेचर है 400, तो ये निकल के आया मेरा 4986 और SI यूनिट हो गया इसका जूल करते हुए। तो कैलकुलेशन आप करते रहिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन यहाँ तक का। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाइट कंटेनर हैविंग अ डायटमिक गैस इनक्लोज्ड विद इन इज मूविंग विद वेलोसिटी वी। तो एक कोई कंटेनर है जिसमें एक डायटमिक गैस है, ये वी स्पीड से मूव कर रहा है और इस डायटमिक गैस का मास दिया हुआ है एम और यहाँ पे टोटल इसके मोल्स दिए हुए इस गैस के एन। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सेंटर ऑफ मास है ना ऑफ द सिस्टम के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो मुझे क्या लगेगा, ये कंटेनर मूव करता हुआ नहीं लगेगा। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो बस जो गैस की एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के कारण होती है वो निकल के आएगी मेरी। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ये जो पार्ट निकल के आएगा मेरा, तो हमने देखा था F/2 × kT और अगर मोल्स के टर्म में बात करें तो F/2 × RT एक मोल के लिए, तो n मोल्स के लिए बन जाएगा F/2 × nRT और यहाँ पे मुझे टोटल मोल्स गिवन है, गैस का टोटल मास गिवन है और इसकी स्पीड मुझे गिवन है। तो ये तो मेरा निकल के आया F की वैल्यू, डायटमिक है, लो टेम्परेचर है, तो 3 translation 2 rotation, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 आया, तो ये निकल गया मेरा 5/2 nRT। अब अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर बात करूं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी बोल दी जाएगी, तो हम लिख सकते हैं आपका 1/2 mv², क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूरा सिस्टम भी मूव करेगा वी स्पीड से, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस यहाँ पे टेम्परेचर के कारण आप क्या लिख दोगे, ये निकल के आया 5/2 nRT करते हुए। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन यहाँ तक का। क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करने, 2 non-conducting containers हैविंग वॉल्यूम V1 V2 कंटेन, यहाँ पे मोनो एटमिक गैस है ना एंड यहाँ पे डायटमिक गैस है, मोनोएटमिक एंड डायटमिक गैसेस रेस्पेक्टिवली दे आर कनेक्टेड एज शोन, प्रेशर एंड टेम्परेचर इन टू कंटेनर्स आर P1 T1 and P2 T2 रेस्पेक्टिवली, इनिशियली स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड, तो ये अभी बंद है। तो यहाँ बोला है इफ स्टॉप कॉक इज ओपन फाइंड फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे टोटल मोल्स कितने होंगे, तो एन इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाय आर इन टू टी, और वैसे यहाँ पे टोटल मोल्स कितने होंगे, तो यहाँ हो जाएगा पी वी डिवाइडेड बाय आर इंटू टी, आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहाँ पे हम बोले कि जैसे ही मैंने स्टॉप कॉक को क्या कर दिया है ना ओपन कर दिया, तो ओपन करते ही क्या होगा, यहाँ पे गैसेस मिक्स होने लग जाएगी जिसके कारण पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर पी हो जाएगा ना, सब जगह प्रेशर सेम रहेगा, पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर टी हो जाएगा और पूरे मिक्सचर का अब बोल सकता हूँ वॉल्यूम V1 प्लस V2 पूरा कंटेनर मिल जाएगा और टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर मेरे हो जाएंगे N1 प्लस N2। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो इस कंटेनर में मोनोएटमिक की एनर्जी, इसके एटम में है ना मोनो डायटमिक की एनर्जी और इस कंटेनर में पूरे मिक्सचर की एनर्जी आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ना, हमने देखा था N × FRT/2 है ना, या फिर NFR/2 × T करके हमने इंटरनल एनर्जी बात की थी, तो NFR/2 × T ये इंटरनल एनर्जी है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी प्लस इसकी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन से। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मोनो एटमिक के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते 3, मोल्स मुझे N1 पता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ N1 इंटू यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटमिक का 3, फिर R/2 इंटू इसका टेम्परेचर T1, तो N1 T1 प्लस सिमिलर वे में हम यहाँ पे बोल सकते हैं U2 के लिए
इसका है ना, लेट्स से इंटरनल एनर्जी कहा जा सकता है. सिमिलर वे में ये आएगा N2 ना, इसके मोल्स N2 इनटू डायटमिक. डायटमिक के तीन ट्रांसलेशन दो रोटेशन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 R by 2 इनटू इसका टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू, अब हम बोल सकते हैं टोटल मिक्सचर का टेम्परेचर हो जाएगा मेरा N1 प्लस N2 इनटू यहाँ पे इसका मिक्सचर है ना. हम बोले तो N1 के करेस्पॉन्डिंग, N1 जो मोल्स होंगे मोनोएटमिक के, उसके करेस्पॉन्डिंग आपका आएगा 3 बाय 2 R इनटू T1 है ना, टेम्परेचर तो दोनों सेम ही है, प्लस वैसे लिख सकता हूँ इनटू 5 बाय 2 R इनटू ये चीज़ आएगी मेरी T2. अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, ये T निकालना है तो R by 2, R by 2, R by 2, R by 2 कैंसिल हो जाए, तो ये बन के आ गया 3 N1 into T1 प्लस यहाँ पे आया 5 N2 into T2 is equal to यहाँ पे आया 3 N1 प्लस 5 N2 into मैं लिख सकता हूँ T. तो यहाँ से मेरा टेम्परेचर तो निकल के आ गया इज इक्वल टू 3N1 T1 प्लस 5N2 T2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में है 3N1 प्लस 5N2. अब क्या कीजिए यहाँ पे, यहाँ पे N1 की जगह रख दीजिए P1 V1 बाय RT1. तो यहाँ रखा P1 V1 है ना डिवाइडेड बाय RT1, तो T1 से T1 कैंसिल हुआ तो P1 V1 बाय R प्लस, वैसे यहाँ पे N2 T2 आ जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू P2 V2 बाय R, और डिनोमिनेटर में सिमिलर वे में लिख सकता हूँ 3 इंटू N1 की जगह आ गया P1 V1 डिवाइडेड बाय RT1, वैसे ही यहाँ पे निकल के आ गया 5 इंटू P2 V2 डिवाइडेड बाय R इंटू T2. अब चाहे तो R को कैंसिल कर लीजिए, LCM लीजिए, वो आपको आंसर दे देगा. अब जैसे ही मेरा यहाँ पे टेम्परेचर आ गया मिक्सचर का, अब प्रेशर बात की जाए, फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर पूछा है, तो PV इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, NR इंटू T. तो मिक्सचर का टेम्परेचर मैं निकाल चुका हूँ, अब क्या करते हैं यहाँ पे, तो मैं वॉल्यूम लिखते हुए ना, तो इस वॉल्यूम को लिखने जा रहा हूँ, तो V इज इक्वल टू है ना, V तो हो गया मेरा V1 प्लस V2, तो प्रेशर हो गया NRT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो P इज इक्वल टू N टोटल मोल्स आए N1 प्लस N2 इंटू R इंटू ये जो टेम्परेचर निकाला है, ये टेम्परेचर रख दीजिए. तो यहाँ पे अगर इस टेम्परेचर को रखने जाऊँ तो ये टेम्परेचर मेरा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आया ये रहा, डैट इज N1 इंटू T1 प्लस फिर है 5 इंटू T2 N2 इंटू T2 डिनोमिनेटर में है 3N1 प्लस 5N2, और मैं यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम को लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इस मिक्सचर का आ गया V1 प्लस V2. अब चाहे तो N1 N2 की वैल्यू रख दीजिए, वो आपको आंसर दे देगा. तो ये है क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन. आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करने, वेसल ऑफ वॉल्यूम 2×10⁻²⁰ क्यूबिक मीटर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एट 47 डिग्री सेल्सियस एंड 4.15×10⁵ पास्कल. मास ऑफ द मिक्सचर इज 10⁻²⁰ kg. फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन द मिक्सचर. तो इस मिक्सचर में आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, हीलियम. अब हाइड्रोजन गैस है तो H2 हो गया. अब यहाँ पे बोला गया है यहाँ 10⁻²⁰ kg है, तो 10⁻²⁰ kg मतलब इसको मैं है ना ग्राम में कन्वर्ट करूँ तो दिस इज 10 ग्राम. तो ग्राम में अगर बोले तो x, लेट्स से ग्राम आपके H2 के हैं, तो यहाँ पे 10⁻X ग्राम किसके हो जाएंगे, हीलियम के. अब हम बोल सकते हैं इसके मोल्स कितने होंगे मेरे, x बाई 2, और इसके मोल्स हमारे कितने होंगे, 10⁻X डिवाइडेड बाई 4. तो पूरे मिक्सचर के मोल्स हो जाएंगे N1 प्लस N2 इज इक्वल टू x बाई 2 प्लस 10⁻X बाई 4, और ये पूरे मिक्सचर के मोल्स को हम लिख सकते हैं PV डिवाइडेड बाय R इंटू T करते हुए. चलिए LCM लिया जाए तो 2X प्लस X प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4. अब प्रेशर वॉल्यूम पुट करते हुए तो प्रेशर है 4.15×10⁵. फिर मेरा वॉल्यूम है यहाँ पे, वॉल्यूम है 2×10⁻². यहाँ पे है
मेरे पास 8.3 फिर यहाँ पे है टेम्परेचर 47 273 करा जाए 280 प्लस 40 इज 320 या आया एक्स प्लस 10 बाय 4 ये इसे 2 से काटेगा तो 2 से 2 कैंसिल हुआ यहाँ पे 4 320 को 80 से काटा ऊपर आया 10 पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस 10 करके तो 100 बाई 8 तो x की वैल्यू आई 100 बाई 8 माइनस 10 विच इज 20 बाई 8 मतलब आप लिख सकते हो 10 बाई 4 5 बाई 2 मतलब ये हो गया आपका 2 पॉइंट है ना इसको आप बोल सकते हो 5 तो 2.5 मतलब मैं बोल सकता हूँ आपका 2.5 ग्राम तो हीलियम होगा तो मास ऑफ हीली हाइड्रोजन इन द मिक्सचर इज 2.5 ग्राम केजी में ले जाएं 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 केजी हाइड्रोजन का मास आ गया तो मिक्सचर में हीलियम का मास हो जाएगा 10 माइनस 2.5 ग्राम इज 7.5 ग्राम तो 7.5 ग्राम मतलब केजी में ले जाते हुए 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 केजी करते हुए तो ये है क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप स्क्रीन